आज आम आदमी पार्टी पौड़ी गढ़वाल के जिलाध्यक्ष श्री गजेंद्र चौहान ने बताया कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आगामी 2022 विधानसभा के चुनाव में सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने दिल्ली में केजरीवाल सरकार के काम गिनाते हुए कहा कि आज हर तरफ दिल्ली में विकास कार्यों की चर्चा है। जो स्कूल पहले बदहाली के शिकार थे, आज वहाँ आधुनिक शिक्षा व हर क्षेत्र में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए छात्रों को सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के पक्ष में मतदाताओं में उत्साह और सूबे में अप्रत्याशित लहर है। इसकी वजह दिल्ली का केजरीवाल मॉडल है। इसमें मित व्ययता और भ्रष्टाचार रहित तरीके से विकास योजनाओं को संचालित कर लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, परिवहन सेवा आदि सुविधाएं मिलेंगे। किसी सरकार ने जनता के लिए काम नहीं किया, सभी जगह आम आदमी पार्टी को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में गुणात्मक सुधार हुआ है, जिसमें कुछ बच्चों का परीक्षा परिणाम 99% तक रहा है। चारों तरफ आम आदमी पार्टी को भरपूर समर्थन मिल रहा है, क्योंकि यह पार्टी लोगों के चंदे के सहयोग से बनी है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार रोककर और योजनाओं को सुनिश्चित ढंग से लागू करके पैसा बचाया गया, जिससे फ्री में बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक के रूप में जनता को अप्रत्याशित रूप से लाभ पहुंचाया गया है। उन्होंने बताया कि केजरीवाल के दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आईसीयू मॉडल अस्पतालों का निर्माण किया गया है, जहां हर बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है। कहा कि उत्तराखंड में भी अस्पतालों को ऐसे ही सुविधा से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि फ्री योजनाओं की जो गारंटी हम दे रहे हैं, अगर वो पूरी नहीं होती है तो आप पार्टी के ऊपर लोग केस कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिस फ्री योजनाओं का लाभ विधायक सांसद उठा रहे हैं, वो ही सुविधाएं अगर अरविंद केजरीवाल जी आम जनता को देना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है। उनका कहना था कि धामी जी ने श्रीनगर को फ्री पानी के 10,000 यूनिट को बढ़ाकर 20,000 क्यों कर दिया। उन्होंने बताया कि सरकार न होने के बावजूद भी कर्नल अजय कोठियाल जी ने 15 से 16 हजार बच्चों को रोजगार उपलब्ध करवाया है। ये भी कहा कि केदारनाथ आपदा के बाद सरकार को लगता था कि इसके पुनर्निर्माण में 2 साल का वक्त लग जाएगा। उसी कार्य को कर्नल अजय कोठियाल जी के नेतृत्व में विकट परिस्थितियों के बावजूद मात्र 6 माह के भीतर भीतर यात्रा को पुनः शुरू किया गया। कहा कि कर्नल अजय कोठियाल जी विकास के प्रति दूरदर्शी नजरिया रखते हैं। उनका ये भी कहना था कि सरकार बनने के 6 महीने के भीतर 18 से 15 साल के 1 लाख बच्चों को नौकरियां उपलब्ध करवाई जाएंगी। जिन युवाओं को नौकरी नहीं लग पाएगी, उन्हें हर महीने 5,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ये मात्र घोषणा नहीं, गारंटी है। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है, और जो हमारा दिल्ली मॉडल है, पूरे दिल्ली नहीं पूरे देश को चलाया है। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे वहाँ पे अस्पताल जो हमने बनाए हैं, जो हमारे मोहल्ला क्लिनिक है, 1100 हमने मोहल्ला क्लिनिक वहाँ बनाए, उसमें 222 टेस्ट वहाँ फ्री देते हैं, और मोहल्ला क्लिनिक को भी अमेरिका तक ने चलाया है, हम तो वहाँ लोग देखने भी आए। और जो हमारा स्कूल मॉडल है, दिल्ली का स्कूल मॉडल जो है, वो उस पर भी बात करेंगे तो आप देखेंगे कि सरकारी स्कूल पहली बार 99.9% नंबर भी लिया, कई बच्चे लाए हैं, और नीट के पेपर में अभी एक स्कूल के 35 बच्चे ने पेपर दिया तो उसमें 25 बच्चे ने पास आउट किया। ये बहुत बड़ी बात है, ये इसको बोलते हैं राष्ट्र निर्माण। आज हमारे वहाँ स्कूलों में खेलों की अकेडमी है, आज हमारे वहाँ स्कूलों में स्विमिंग पूल है, कंप्यूटर सारे लगे हुए हैं। एक समय था जब टाट पे बैठते बच्चे, आज देखिए आप पूरी दुनिया उसको देख रही है कि हमारा दिल्ली मॉडल जो है सरकारी स्कूल का इतना अच्छा कर दिया है। और हम हर 3 महीने में एक रोजगार लगता मेला हमारे दिल्ली में, इसमें हमारी 1500 से 2000 नौकरी हर 3 महीने में लगती है। ये हमारी आम की विशेषता है, एक ईमानदार सरकार की विशेषता है। सब लोग जानते हैं आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली पार्टी है, और चंदा इकट्ठा करके आम आदमी आम लोगों ने इसको इकट्ठा चंदा इकट्ठा करके पार्टी को खड़ा किया है,
और केजरीवाल जी ने भी सब कुछ जनभावनाओं को देखते हुए जो वादे किए थे, दूसरे बिजली फ्री, 20,000 लीटर पानी माफ, तो बीजेपी कांग्रेस ने कई बार कहा कि इस तरह से तो कभी हो सकता नहीं, कैसे करेंगे। हमने कहा हम भ्रष्टाचार को रोकेंगे, जो पुल हमारे 3,350,000 करोड़ के बने उनको हमने 2,000 करोड़ बनाया, और 1,500 करोड़ बचा वो हमने लगा दिया बिजली में, पानी हम देरी सब्सिडी दे दिया, तो आज हम कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी हमने पहले कहा था हम दिल्ली में लाएंगे और वो हम लाए। आज दिल्ली में अभी 6 महीने से 8 महीने पहले 6 से 8 अस्पताल बने, जो अभी इनका नया शिलान्यास हुआ और एक अभी अस्पताल का हमारा उद्घाटन हुआ जिसमें कि 1600 बेड का अस्पताल है और जिसमें आईसीयू बेड है सारे, जिसमें ऑक्सीजन भी लगी हुई है। और वही हम उत्तराखंड में करने जा रहे हैं। उत्तराखंड में हमने अपनी जो बात रखी, हमने घोषणा नहीं करी, हमने गारंटी देके, गारंटी का मतलब होता है कि हम अगर ये काम नहीं करेंगे आप हमसे कल केस कर सकते हैं, हमें दावा कर सकते हैं कोर्ट में। आप पहले गारंटी हमने दी है 3 यूनिट बिजली फ्री, क्योंकि चीनी डैम हमारा है, बिजली हमारी, पानी हमारा, तो हम क्यों पैसे दें? यहाँ की बिजली पानी जाती है दिल्ली, वहां तक फ्री है तो यहाँ क्यों नहीं? जब मंत्री मुख्यमंत्री विधायक 4,000 यूनिट फ्री ले सकते हैं, तो आम आदमी के लिए अगर अरविंद केजरीवाल जी अटक पहुंचा जी अगर 3 यूनिट बिजली फ्री कर रहे तो कोई गलत कर रहे हैं। कांग्रेस बोलती है कि फ्री क्यों, तो धामी जी ने जो है पौड़ी में आकर ये बोला कि 20,000 लीटर पानी फ्री क्यों का, जबकि पूरे उत्तराखंड में सिर्फ सबसे ज्यादा भार यहाँ पड़ रहा है श्रीनगर में, यहाँ की जनता बड़ी दुखी है, इतने महंगे बिल आते हैं, पानी के मीटर लगे हुए हैं, बिजली के मीटर महंगे हैं, सुना कि हाउस टैक्स लगने वाला है, और नगर निगम बनने से हमारे आसपास के गांव जो है बड़े प्रभावित होंगे, धरने दिए गए, प्रदर्शन किए गए, अभी भी जारी है। हम भी चाहते नहीं है कि यहाँ पर नगर निगम बने, क्योंकि आम गांव वालों को बड़ी असुविधा देखनी पड़ेगी। और हमारे जो भावी मुख्यमंत्री के रूप में कर्नल अजय कोठियाल जी को हमने अभी चुना है अरविंद केजरीवाल जी ने, क्योंकि एक ईमानदार आदमी है। एक कर्नल ने ऊपर दिखाया 12 से 15 हजार लोगों को, बच्चों को यहाँ पर रोजगार दिया यूथ प्रोग्राम खोलकर, ये बहुत बड़ी सोच है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए देखो उन्होंने क्या किया, जब 2013 में आपदा आई थी तो केदारनाथ घाटी का पुल निर्माण, जबकि सरकार ने हाथ खड़े किए थे कि 2002 साल से पहले यहाँ पे कोई भी यात्रा शुरू नहीं हो सकती, कर्नल अजय कोठियाल जी ने सरकार को कहा कि भी हमें एक मौका दीजिए, हम कुछ करके दिखाएंगे, और 6 महीने में यात्रा शुरू कराई गई। अब जबकि वहां पे इतनी ठंड थी, बर्फ थी और हजारों लाशें वहां पे थी, तो कुछ उसके बीच सबको उन्होंने किसी को अंत्येष्टि करी, चिताओं की कई कुछ करके, रात को भूत भी आए वहां, प्रेत भी आए, कई कर्मचारी भाग गए, कई लोग भाग गए वहां से, लेकिन फिर भी युवाओं ने, महिलाओं ने साथ देकर एक नव निर्माण किया वहां पे केदारनाथ घाटी का। क्या वो आदमी जिन्होंने नव निर्माण कर दिया केदारनाथ घाटी का, जिन्होंने 12 से 15 हजार बच्चों को रोजगार दिया, क्या वो कोई इंसान प्रखंड निर्माण जन निर्माण नहीं कर सकते क्या? उसी को देखते हुए केजरीवाल जी ने चुना है। और हमारी जो पहली गारंटी मैंने बिजली की, दूसरी गारंटी हमारी यह है कि 6 महीने में, 1 साल में हम 6 महीने में हम 1 लाख बच्चों को यहाँ पर नौकरी देंगे। हमारी इसमें महिलाएं भी हैं, 18 से 35 साल के बीच की महिलाएं, हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी, और जिनको नौकरी नहीं मिलेगी वो उनको 8 लाख लोगों को हमने 5,000 महीना हमको भत्ता देने का गारंटी दी है, वादा नहीं किया हमने। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमने सिर्फ गारंटी दी है, हमने घोषणा नहीं करी है, बीजेपी कांग्रेस घोषणा करती है और 5 साल पहले भी घोषणा की गई, अभी तक कुछ अमल नहीं हो पाया। और हमारा जो बेरोजगारी का वो है, एक हमारा ये है कि 80% हमने आरक्षण करेंगे हम उत्तराखंडियों का सरकारी नौकरी के अंदर और प्राइवेट नौकरी के अंदर। हम यहाँ पे फैक्ट्रियां लाएंगे, हमने 21 साल में 21 सवाल पूछे, उत्तराखंड को बने 21 साल हो गए, आपने अभी तक क्या किया? तो हमने पूछा कि बच्चे बेरोजगार क्यों है, आपने महिलाओं के लिए क्या किया? हमारी आज भी हमारी बहु बेटियां हमारी आज डांडी काठी वहां जाने चाहिए, जब परसों परिवार के दौरान जब बच्चे की बात होगी तो बड़ी मुसीबत सामना करनी पड़ गई। और गांव से लेके चाहे बेस अस्पताल हो, चाहे थैली शहर से लेके पापो हो, पठानी हो, कहीं भी सुविधा नहीं है। एक थैली शहर से हमारी बहन को, हमारी बिटिया को भगाते हैं कि यहाँ रेफर सेंटर है, रेफर करके उसको श्रीनगर, फिर यहाँ पे जब जहाँ श्रीनगर अपना जो बेस अस्पताल थे इनका बुरी हालत में थी। मैंने लास्ट में वीडियो बनाई, वो जगह मैंने जगह जगह जाल लगा चाहिए, मतलब कम से कम 6-6 महीने 8 महीने बड़ी सफाई नहीं हो, तो वो व्यवस्था हम केस को यहाँ से
हम तो राजनीतिक पार्टी से हमारी तरफ एक हम सिस्टम चेंज कर सिस्टम जो हम दिल्ली में चेंज करी सिस्टम का द्वारा हमारे तीसरे बार मुख्यमंत्री है और बीजेपी ने कांग्रेस ने जहाँ जबरदस्त कभी थप्पड़ मरवाए कभी कुछ कराए कभी कुछ कराई दूसरी बारी सीओजी ऑडिट कराई पूरे देश में पहले प्रधानमंत्री सिंह दिल्ली में तो उनकी पहली बार सीओजी ऑडिट में पास हुई तब तक भी आज तक ऑडिट नहीं हुए और तीन बार सीबीआई के रेड और 12 से 15 केस लगाए केजरीवाल जी पर लेकिन एक भी रुपये का भ्रष्टाचार कोई दिखा नहीं पाया हमारे केजरीवाल जी ये हमारी अब ईमानदार सरकार की और उसके बाद नंबर तीन हम गारंटी दे जब हमारे सरकार आली तो हम चार धाम यात्रा या अयोध्या जी राम जी का मंदिर में तब कहीं ले आएंगे निःशुल्क ले जा सकते गवर्नमेंट ले जाओला और बस द्वारा ले जाओला कन्वेंशन भी ले जाओला और ट्रेन की खाने की व्यवस्था हम करना सर हम दिल्ली में 35-40 हज़ार लोगों पे अब तक हम यात्रा करें और नंबर चार हमारे सबसे महत्वपूर्ण गारंटी जो हमारी थी वो समझिए हर महिला तो हमारी बहन होती 18 से ऊपर साल की जितनी हमारी बेटी पारी बहन थी वो तो 1,000 रुपये महीने की तो का खत्म आला ये और वहाँ का बाद कांग्रेस मुख्यमंत्री साधु पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने बोली कि अब महिला का अपमान थी महिलाओं का अपमान भाई तुम आज तक कुछ सोची नहीं और हमारी पार्टी ने कर्ण कोठा जी ने केजरीवाल जी ने सोची क्या भूल पड़ी हम तो बहुत महिला को सम्मान करी पहले गैस से 500 रुपया आज गैस 1,000 रुपये होगी कम से कम 4 से 5 किलोमीटर लोग जान पूछो लेते आज का युवा इतने साल में प्राइन होगी युवा यहाँ पे है 7 से 8 लाख गवर्नमेंट ताल लगी और हमारे कोठा दिन ये कसम खरी थी कि जो जो गवर्नमेंट ताल लगे वो ताला हमारे खुल दिवस प्लान हो किला रोजगार द्वारा रोजगार बढ़ लूँ जब स्कूल अच्छा स्कूल खुला तो सब लोग घोर आला कोई हमारा बच्चा काम करना 10-10 हज़ार में कोई 15 हज़ार में काम करना चाहिए वहाँ का किराया भी चो रहना खर्चा भी चाह बच्चों की फीस भी चाह हर चीज़ थी तो वो बच्चा सब घोर आला एक नया उत्तराखंड नव निर्माण बहुत ढंग से हो लूँ और संजय जी आप कुछ मैं संजय विश्व प्रदेश वासी हूँ आंध्र प्रदेश युवा विंग से तो जो हमारे कंदल कोठियाल जी इस प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं उन्होंने एक नारा दिया था हम उत्तराखंड नवनिर्माण हम उसका करेंगे तो उत्तराखंड नवनिर्माण इस प्रदेश के अंदर युवा ही करने वाले हैं क्योंकि युवा सिर्फ रोजगार की शिक्षा की और स्वास्थ्य की बात कर रहा है देखो पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ काम नहीं आ रहा है लेकिन अगर हमारी सरकार आम आदमी सरकार यहाँ पर बनती है तो दोनों ही हमारे काम आने वाला है जो हमारे दिल्ली के अंदर में जो हमारे केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं चाहे वो हमारा शिक्षा पे हो आप देखिए अखबार के माध्यम से देखो मनुष्य झूठ बोल सकता है लेकिन अखबार झूठ नहीं बोलेंगे मीडिया झूठ नहीं बोलेगी देखिए किस प्रकार से हमारे लोग आज एमबीबीएस के अंदर जेई के अंदर आपके एनआईटी के अंदर में तमाम वो लड़के वो छात्र जो सामान्य परिवार से आते थे वो 96-98 लाकर आज उस स्थान पर खड़े हैं जहाँ प्राइवेट स्कूल का बच्चा था तो जब वो काम दिल्ली के अंदर में हो सकता है तो काम उत्तराखंड के अंदर में क्यों नहीं हो सकता है सिर्फ 9 साल हमारी आम आदमी पार्टी को बने हुए हैं राजनीति ये था नहीं ये तो आप लोगों के बीच से ही उठकर आप लोगों की राय से चलकर आज हम वो मॉडल बना रहे हैं चाहे वो दिल्ली के अंदर हो तो वही सोच के साथ उसी दिशा को देखते हुए उत्तराखंड का जो युवा है आज वो आम आदमी के साथ जुड़ रहा है वो इसलिए जुड़ रहा है वो चाहता है कि उत्तराखंड के अंदर जो 21 साल से जो भ्रष्टाचार हो रहा है तमाम जो शिक्षा का बाजारीकरण हो चुका है स्वास्थ्य का बाजारीकरण हो चुका है हर चीज आप देख रहे हैं प्राइवेटाइजेशन हो रहा है क्यों हो रहा है क्योंकि सरकार नहीं चाह रही है कि लोगों को रोजगार मिले युवाओं को रोजगार मिले सबको देखो आज स्थिति ऐसी है कि हमारे लोग नौकरी करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं बंबई जा रहे हैं उत्तराखंड के अंदर क्यों नहीं हमारे यहाँ बहुत अच्छा रोजगार हो सकता है रोजगार होम स्टे का हो सकता है पर्यटन का हो सकता है आपका नदियां हमारे पास है हम उसके अंदर बिजली तो हम पैदा करते ही है हम राफ्टिंग वगैरह करा सकते हैं कैंपिंग वगैरह करा सकते हैं तो क्यों ना हम इस चीज को लेकर सरकारें क्यों काम नहीं कर रही है दुनिया भर का बजट बनाया जा रहा है मंत्रालय बनाए जा रहे हैं लेकिन काम धरातल पे नहीं हो पा रहा है तो हम चाहेंगे कि सब लोग जागरूक हो और आम आदमी पार्टी की ओर एक बार देखो सबको मौका मिल रहा है हमको भी एक बार मौका मिलेगा अगर हमारे लोग मजबूत होंगे चंदन कोठियाल जी सीएम बनेंगे तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें प्रत्येक विधानसभा से हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं उनको हमको विधानसभा भेजना है तभी कोठियाल साहब सीएम बन पाएंगे और जो आम आदमी की जो धारणा है जो आम पब्लिक जो चाहती है जो उत्तराखंड नवनिर्माण है तभी संभव हो पाएगा और ये जो हम काफी वर्षों से आप लोग
कि संज्ञान में भी होगा। 2001 से हम स्टूडेंट यूनियन की राजनीति करते आ रहे थे, तो हमने भी कहीं ना कहीं देखा होगा इतने सालों में कि हमें बीजेपी को मोड़ना है, कांग्रेस को मोड़ना है, लेकिन हमने वो स्टैंड नहीं उठाया क्योंकि वो एक छात्रों की शिक्षा के विरोधी काम करने वाले लोग थे। तो हम लोगों ने उत्तराखंड के अंदर हम एक आर्यन छात्र संगठन नाम से इंडिविजुअल ग्रुप चलाते थे, जो किसी राजनीतिक दल का नहीं था, हम व्यक्ति विशेष को समर्थन दिया करते थे। लेकिन जब आम आदमी पार्टी की शुरुआत उत्तराखंड के अंदर में हुई, तो हमें लगा कि ये कहीं ना कहीं इसकी विचारधारा हमारी विचारधारा से मेल खाती है। हम लोगों ने एकदम से मर्ज होकर आम आदमी के समर्थन में हम लोग आ गए थे, और हमने हमारे जितने भी स्टूडेंट विंगे हैं, चाहे पौड़ी के अंदर हो, उत्तरकाशी के अंदर हो, चाहे केरी के अंदर हो, हमने उसका विधेयक इसमें कर दिया था। तो आज तमाम वो जो हमारे साथ 1 लाख जो युवा था पूरे प्रदेश का, वो साथ में आम आदमी के लिए काम कर रहा है, जगह जगह उसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, विचारधारा में काम कर रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा था भाई साहब बिजली का मीटर का है, बिजली का जो यूनिट है, पानी के मीटर का है, पानी के मीटर हम बिल्कुल खत्म कर लेंगे सरकार में आए, हम एक यहाँ फिट नहीं है, रोड नहीं, यहाँ पे मेरा बंद हो गया है, यहाँ पे भगवान जी का यहाँ पे पार्किंग लगा, दो बार कोरोना धार नहीं लगा, इसके लिए हम उपाय करेंगे, नगर निगम को हम बनने नहीं देंगे, यहाँ विरोध करेंगे, विरोध करेंगे, और हम यहाँ पे एक पार्किंग सुविधा नहीं है, पार्किंग करेंगे, ठीक है। तो जिस दिन हम देख रहे हैं यहाँ पे सीएम आ रहा है या एसपी आ रहे हैं, डीएम आ रहे हैं, उस दिन तो शहर की व्यवस्था ऐसी चकत हो जा रही है, लेकिन लग रहा है कि बिल्कुल ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं है। लेकिन जब आम दिन की बात है, जगह जगह गाड़ियां खड़ी है, दो गाड़ियां निकालने में बहुत दिक्कत आ रही है, हम चाहेंगे कि हम जब जैसा आप चाहिए, मैं परसों में एक दिन बीच में तिलवाड़ा गया था, तो मैंने वहां पे देखा जो आप महल के रास्ता जाते हैं, वहां पे 3 मंजिल की पार्किंग बनी हुई है। तो जब तिलवाड़ा जाकर जगह पे नगर पंचायत है मेरे ख्याल से, वहां पे जब वो लोग ऐसा काम कर सकते हैं, क्यों नहीं, मतलब 350 गाड़ियां वो 3 मंजिल की पार्किंग में आराम से सेट हो रही है, ऐसी ऐसी 3-4 स्पॉटों पे ऐसी पार्किंग बना सकते हैं, तो बहुत बड़ा काम नहीं, वो काम तो नगर पालिका भी कर सकती है, लेकिन आपस में उलझे पड़े हैं मंत्री जी यार, अध्यक्ष जी हमारे, तमाम बेसिक मुद्दे ही है, ज्यादा नहीं है यहाँ भी, जैसे शिक्षा का है, बाकी हमारा जो अस्पताल है, रेफर सेंटर बना हुआ है, हल्का फुल्का अगर किसी को समस्या आ रही है तो देहरादून के लिए रेफर, और एक समस्या बहुत बड़ी है, हमारी गाय माता, बोले गाय माता, गाय माता का इतना बुरा मान यहाँ कर रखा है, देखो नगर पालिका का काम है, पूरी सड़क पे देखिए आप, पूरी सड़क पे देखिए आप, हर जगह गाय लेटी हुई, किसी को कभी एक्सीडेंट होता है, कभी गाय का पैर टूटता है, कभी सिर पड़ता है, कभी कुछ होता है, कभी तो हम सुधार करेंगे, बहुत सारा खुली हुई है, लेकिन उनके सिर्फ चमड़ा खाया जा रहा है, सब भ्रष्टा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर श्रीनगर की हम बात करें तो यहाँ से एक तरफ बीजेपी के जो है सिटिंग जो है एमएलए हैं और कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं, वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस के हैं वो प्रदेश के जो है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी अपने को कितना इनके सामने एक कॉम्पिटिटर मानती है और कितना उठ सकता है? देखो ऐसा हुआ जी कि हम जब यहाँ चुनाव लड़ने आए ना, आम आदमी पार्टी ऐसी भी चुनाव लड़ने आई, हमने सर्वे कराया, सर्वे में 62% से ऊपर लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी को तीसरे विकल्प के रूप में यहाँ पे चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि हम बीजेपी कांग्रेस से परेशान है, क्योंकि हम उनसे परेशान है, इनके बातों से, इनकी घोषणाओं से परेशान है, 21 साल में हमारा युवा बेरोजगार है, हमारी बहनों को अच्छा संस्कार नहीं है, उनको उनको किट दे रहे घसारी किट दे रहे घसारी किट रात को धंधे का जिनका हो जाते आपने कंप्यूटर दे और चीज दें ना, नहीं बच्चे बेरोजगार है उनके लिए कुछ नहीं है, घसारे किट बांट रहे हैं बस, और हम सोचते हैं कि यहाँ पे जो है आम आदमी पार्टी का बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि लोगों में ये है कि ऐसी पार्टी आई है जो हमारे बच्चों के बारे में सोच रही है, जो हमारी महिलाओं के बारे में सोच रही है, हमारे इलाज के बारे में सोच रही है, बिजली पानी इतनी महंगी यहाँ पे है उसके बारे में सोच रही है, तो सबसे बड़ी चीज शिक्षा है, शिक्षा के साथ लोग देखते हैं आजकल, लेकिन आजकल वीडियो भी है, आजकल अपने क्या बोलते हैं यूट्यूब है, सब लोग देखते हैं कहाँ क्या हो रहा है, दिल्ली मॉडल पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में जा रहा है, उसी को देखते हुए यहाँ पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमें पता है हम जीत जाएंगे, हम इनको कंप्यूटर में समझ रहे हैं, क्योंकि इनके झूठे वादों से लोग परेशान है, धनसिंह रावत जी कल यहाँ पे आए, पूरे जिले को सॉरी वो मुख्यमंत्री यहाँ पे आए, धनसिंह रावत जी ने सबको लेटर दिया बुलाया, और सारे प्रधान यहाँ पे, कई सौ प्रधान यहाँ पे आए, सुबह 5 बजे चले घंटे 4 बजे ठंड में, किस तरह यहाँ पहुंचे बिना खाई जैसे पहुंचे, लेकिन 6-8-10 घंटे के बाद जब मुख्यमंत्री से मिलने आते हैं, सिर्फ 7-8 घंटे का टाइम तो देते हैं, तो बड़ा दुखद है ये, एक हमारा मंत्री चेहरा भी आपको बात 2 घंटे की बात की थी, आपने जनसंवाद करेंगे, उन समस्या सुनेंगे, गाँव की समस्या लोग लेके आए थे, पूरे प्रधान गाँव को घूमते रहे हैं, समस्या को समस्या करके आए, देखिए जब यहाँ पे आएंगे हमारी बात सुनी जाएगी, यहाँ पे इतना बर्ताव किया गया कि वो बाद में इतना विरोध किया उन्होंने, हमारी बहुत बेइज्जती की, अपमान किया गया, ग्राम प्रधान एक तरफ तो
प्रधानमंत्री बोलते कि ग्राम प्रधान, मैं भी ग्राम प्रधान हूँ, ग्राम प्रधान का सम्मान, यहाँ का सम्मान किया। जो दिल्ली मॉडल की आप बात कर रहे हैं और साथ ही जो केजरीवाल जी ने यहाँ पे चार घोषणाएं भी अब तक कर चुके, तो उन्हें जनता तक कैसे पहुंचाने का काम आम आदमी पार्टी करती है? देखो जी, पहला बजट पहला हमारा आया, गारंटी कार्ड आया, बिजली गारंटी कार्ड, तो हमने यहाँ पे बिजली गारंटी कार्ड के ऊपर गाँव गाँव गए, हमने लोगों से गारंटी कार्ड दिए कि हमारा गारंटी कार्ड ये जी, कल को हम सरकार आती है, हम आपको अगर नहीं दे पाए आप पेश कर सकते हैं। तो लोगों ने बहुत अच्छा कराया इसको, सीधे का प्रदान कर 8 से 10 हजार लोगों ने गारंटी कार्ड के रूप में हमको अपने कार्ड स्वीकार किए। उसके बाद हमारा रोजगार के ऊपर आया, रोजगार के ऊपर भी हमने बहुत लोगों से गाँव गाँव जाके हमने युवाओं से फॉर्म भरवाए, सॉरी वो अपने गारंटी कार्ड दिए उनको हमने, है ना, उनको लेटर अपने काफी आश्वासन दे आपको हम कि हम 6 महीने में 1 लाख नौकरी देंगे और 5000 महीने भत्ता देंगे। क्योंकि 5000 महीने भत्ता देने के बाद हमने सब पूरा सर्वे किया गया है, ऐसा नहीं कि दूसरी बात कर रहे हैं, गारंटी मतलब होता है पूरा अंदर तक घुसे हम कि यहाँ पे कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, ऋण माफिया, भू माफिया सरकार बन गई है। लेकिन दिल्ली मॉडल पे हम यहाँ ईमानदारी से काम करने आए हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पे कम से कम 4,800 करोड़ रुपए का बजट है सिर्फ युवाओं के लिए, 5000 महीने भत्ता और 6 लाख 1 लाख सरकारी नौकरियां, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 55,000 करोड़ बजट है, कुछ भी बड़ा नहीं है। और महिलाओं पर जो हमने अभी किया, हमने 1000 अपने हर महीने इनको देंगे, वो भी हमारा सिर्फ 3000 करोड़ बढ़ रहा है, तो भ्रष्टाचार हो रहा है, 20,000-25,000 करोड़ भ्रष्टाचार हो रहा है। केजरीवाल जी ने भी कहा, कन्हैया कुंडल जी ने बोला कि यहाँ पे भ्रष्टाचार तो है, 40% भी है तो 20% मानते हैं, 15% मानते हैं, तब भी हमारा 15-20,000 करोड़ का भ्रष्टाचार यहाँ पे है। और उसमें अगर महिलाओं को हम 3000 करोड़ दे रहे हैं तो क्या बुरा है? वही बीजेपी और वही कांग्रेस में जा रहे हैं, आप राजनीति की बात करें, ऐसा भी हो सकता है कि आम आदमी के पार्टी में कई लोग वोट हो गए, क्यों वोट आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रकार जी के भाई मेरे, इनके बारे में मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन कुछ ना कुछ कमियां रहेंगी, ऐसे तो नहीं हो सकता कि पार्टी में कमियां नहीं है, कमियां हमें रहेंगी, अगर मैं भी छोड़ता हूँ कमी मुझ में होगी, पार्टी में कमी कोई नहीं है। इस पार्टी को, जिस पार्टी को अमेरिका तक ने सहाया है, अमेरिका तक की जो राष्ट्रपति है, तो उनकी वाइफ ने जब पांच क्लास की जो बिटिया थी हमारी सरकारी स्कूल दिल्ली की, जब उससे 40 मिनट बात करी फोन पे, तो कितना बड़ा उनको लगा कि यार कितना अच्छा पढ़ाई का सर हो गया है। किस तरह से हम पार्टी को गलत बोल दिए, हम गलत होते हैं, अगर हम पार्टी छोड़ते हैं हम गलत हैं, सोचते गलत हैं, पार्टी गलत कभी नहीं हो सकती, पार्टी की विचारधारा बहुत ऊंची है, पार्टी से तो समुद्र है, कोई आएगा कोई जाएगा, कोई कहता मुझे ये चाहिए उसको भी नहीं, अगर एक यहाँ पे 4 टिकट मांगेंगे, कोई टिकट एक को मिलेगी, 3 जाएंगे तो भी उसमें गलती उनकी है ना, पार्टी तो कहती थी आप काम करो, एक आदमी खड़ा करो, उसमें क्या है, हम ये करो कि आप पैसे कमाने आए हैं, तो यहाँ पे युवाओं को, महिलाओं को, हर चीज़ को, सबको सुख सुख देने आए हैं। हमारा विजन तो यही है, पहले मैं अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा का अध्यक्ष रहा हूँ, और हमने भी 2005 से लोगों की बहुत सेवा करी, कोरोना काल में सेवा करी, ठीक है जी, फिर हमने दिल्ली में उत्तराखंड एकता मंच खोला, की स्थापना करी हमने, खोला गया स्थापना करी, तो इसलिए करी हमने कि दिल्ली में उत्तराखंड की बात सुनी जाए, और हमने वहाँ पर बात रखी सरकार के आगे, हमने बुलाया बीजेपी को, हमने बुलाया कांग्रेस को, हमने बुलाया आम आदमी पार्टी को, जब वहाँ बीजेपी हरीश रावत जी को मैं खुद लेटर देकर आया था, खुद मेरे फोटो लगी, वो नहीं आए, मैंने कहा जी 1 लाख उत्तराखंड आ रहा है रामला मैदान में, हम इकट्ठा कर रहे हैं, हम पैसा खर्च करके अपना लगा के लोगों को चंदा इकट्ठा करें, लोगों को चंदा दिया, पानी की व्यवस्था कराई, खाने की व्यवस्था लोगों ने करी, 1 लाख उत्तराखंड रामला मैदान पे आया, और हमने बात रखी वहाँ पे, ना कांग्रेस आई ना बीजेपी आई, आम आदमी पार्टी के सिर्फ गणेश सुजन जी हमारी जो सिस्टर नायक को बोलते हैं, सिस्टर नायक उसने बोलते कि उन्होंने क्या कर दिया आप देखिए, तो वही बात हमने वहाँ रखी कि भाई एक तो हमें चाहिए उत्तराणी में, मैं क्या मिला, उन्होंने बोला उत्तराणी में आपको 60 से 70 जगह पे हम व्यवस्था करेंगे, आज वहाँ पे 70 से 80 जगह पे 1 से 1.5 लाख रुपए हर एक उसको मिल रहे हैं, जो प्रोग्राम जो हो रहे हैं वहाँ पे, उत्तराणी का प्रोग्राम इतना अच्छा हो गया। हमने कहा हमारी को जौनसारी, कुमाऊनी, गढ़वाली की आज तक अकादमी नहीं खुली, कांग्रेस ने झूठे वादे किए, बीजेपी ने झूठे वादे किए, हमें कहा कि अब खुल जाएगी, अब खुल जाएगी, नहीं खुली, तो मनीष सिसोदिया ने बोला कि 6 महीने में सरकार के बनते ही 6 महीने के अंदर हम खोल देंगे। आज देखो आज वहाँ पे जौनसारी गढ़वाली कुमाऊं की वहाँ पे अकेडमी है, ये बात रखी हमने, तो हम वही जो हमने उत्तराखंड को दिल्ली में सोचा, कहीं चंडीगढ़, बॉम्बे, कहाँ कहाँ नहीं गए हम भारतीय भाजपा के द्वारा, तो हमारे दिमाग में दिल में सिर्फ एक बात है कि हम आखिरी उत्तराखंड की सेवा कर सकें, उसके सुख दुख में काम आए। जब हमें जब मुझे मालूम हुआ कि वो पार्टी यहाँ चुनाव लड़ने आ रही है, तो मैं 4 साल से गाँव में था, तो गाँव में सब्जी उगाई, मैंने बच्चे खेतों में मैंने फसल बोई, सब कुछ लोगों को रोजगार दिया,
तो देखा मैंने ये पार्टी आई, मैंने कहा हमारी बहनों का हमारे बच्चों का दुख हो जाएगा, तो मैंने फर्स्ट से पार्टी ज्वाइन कर लिया और लगातार हम सेवा में लगेंगे। बस अब यूथ जुड़ा हुआ है, हरिंग ग्रुप की है, हमारे संजय जी हैं, अपने राम प्रसाद जी हैं, साथ जुड़े हुए पूरा काम बिल्कुल पता है कि भी रोजगार मिलेगा बच्चों को। सबसे बड़ी चीज समस्या रोजगार की है और फिर उसके बाद शिक्षा अस्पताल की है। अच्छा, वो जो गढ़वाल क्षेत्र के या फिर कुमाऊं में तो अधिकतर जो वोट बैंक है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, तो वहाँ किस तरीके से आम आदमी पार्टी अपना रुझान देखती है, क्योंकि अमूमन जो ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ बीजेपी कांग्रेस तक ही लोगों को मालूम होता है या सीमित रहती है, तो ऐसे में वहाँ किस तरीके से पैठ जमाने की कोशिश आम आदमी पार्टी। हम उन तक अपने घर के हमारे गारंटी दे रहे हैं, थोड़ी बिजली की बात तो वहाँ पर नहीं करते, वहाँ बात करें रोजगार की, वो कहते हमारे बच्चों को रोजगार दो जी, यहाँ से आप बांटना या प्रशासन बांटना, क्योंकि हमारे बच्चे बिगड़ गए इन पार्टियों ने, यहाँ पे शराब पिला के और कैसे बांट बांट के हमारे बच्चों को खराब कर दिया। इस बार हम किसी के लड़ाई में नहीं आएंगे। हमें पहली बार मौका मिला, तीसरा बिगड़ पाया है, तो लोगों को हमने समझाया, माता बहने हमारी मिलती है, गाँव गाँव जाते हैं हम, एक गाँव में गया हेल्थ सेंटर गाँव है, बड़े गाँव, जो रास्ता था 15 मिनट का उसमें भी 1.5 घंटे पहुंचा, गड्ढे वड्ढे इतना पानी भरा हुआ, गाड़ी इधर जा रही तो गाड़ी इधर भाग रही थी ऊपर, मतलब 6 महीने पहले गया तो वो हाल थे, उसके बाद गया वो हाल, जब मैं आप गांव में पहुंचा चाय की दुकान में बैठे हम, रात को वहाँ के युवाओं ने हमें रहने की व्यवस्था कराई, बहुत अच्छा वहाँ पे हमारा वो है, वो हमारे बहुत जुड़ा हुआ था, तो वहाँ पे उन्होंने, मैं सुबह में फिर नहा धो के चाय दुकान चाय पिया था, मैंने एक भाई साहब बोला, भाई साहब मैं आम आदमी पार्टी से पार्टी ज्वाइन कीजिए, अरे हम तो ही कांग्रेसी हैं। मैंने कहा भाई साहब ये रात से लाइट नहीं, जब मैं आया हूँ मेरे लाइट 3 दिन से नहीं है, लाइट 2 दिन और नहीं आएगी, मेरा सड़क के बुरा हाल है, लेकिन फिर भी तुम कांग्रेस ही हो, मेरा शर्म करो अपने आप पे यार, सिपा छोड़ दो, अपने बच्चों का छोटे विकास के लिए, मैं कहा 2022 का चुनाव होना चाहिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, अच्छे सड़कों के लिए, तो उनको बात समझ में आई, उन्होंने ठीक भाई, हमने उन्होंने पूछी थी पार्टी ज्वाइन की, ऐसे हमने लोगों को समझाया, बहुत जगह जा रहे हैं, गाँव गाँव पहुँच रहे हैं।